करके टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया जिसमें कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। नववर्ष की पावन बेला में तीर्थ नगरी गोवर्धन के अन्योर गांव में गांव के युवाओं द्वारा दाऊ दादा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें गोवर्धन के प्रमुख समाजसेवी गौतम खंडेलवाल द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक मंडल के सदस्य विकास दादा ने बताया कि कोरोना काल की वजह से युवा पीढ़ी भी घरों में अपने आप को बंधन में महसूस कर रही है। ऐसे में युवाओं को अपने शारीरिक विकास के लिए खेलकूद की आवश्यकता है, इसीलिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 5,100 रखा गया है और कुल 32 टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, जिसका पूरा प्रसारण YouTube चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा, जिसमें युवा पीढ़ी घर बैठकर भी क्रिकेट टूर्नामेंट का लुफ्त उठा सके। वहीं समाजसेवी गौतम खंडेलवाल ने कहा, युवाओं के शारीरिक मानसिक विकास के लिए खेलकूद जीवन का एक अहम हिस्सा है और क्योंकि गोवर्धन एक बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में प्रशासन को गोवर्धन तहसील क्षेत्र के लिए खेलकूद की सुविधाओं से सुसज्जित स्टेडियम और मैदानों का निर्माण कराना चाहिए, जिसमें स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि निधियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन समिति के अध्यक्ष लोकेश, उपाध्यक्ष बोला दादा, टिंकू, आकाश, अजय, चैना भाई, दिनेश, राजेंद्र, अंशु आदि उपस्थित रहे। डीडी शर्मा, मथुरा समाचार 24। क्या नाम है आपका? विकास। आज यहाँ पे दाऊ दादा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है और क्या इसकी रूपरेखा? देखिए, छरौना वर्सेस अड़िंग के मध्य खेले गए मैच में श्री गौतम खंडेलवाल से समाज से भी जिन्हें इसका उद्घाटन किया है, इस 32 टीमें इसमें भाग लेंगी और हमारा उद्देश्य यही है कि खिलाड़ियों में जो खेल की प्रतिभा है इसमें मैदान पर आके दिखे। और मैं 11,000 फर्स्ट इनाम है, दूसरी इनाम 5,100 रुपये है और राधा गोल्फ क्रिकेट स्टेडियम जो राधा गोल्फ फेमस कॉल है उसके पीछे ये मैच खेले जा रहा है। अच्छा, इससे युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं कि जो अपने खेल की प्रतिभा है, जो कोविड-19 की वजह से जो अंदर घरों में घुसे बैठे थे, उसको निखारे, इस मैदान पर आके निखारे। क्या नाम है सर? गौतम खंडेलवाल। अच्छा, आज आप यहाँ दाऊ दादा क्रिकेट टूर्नामेंट में आए तो क्या संदेश देना चाहेंगे वो? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को, जितने भी प्लेयर्स आए और जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, उन सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। इसी के साथ में खेल का जो आयोजन है वो एक तरह से शारीरिक विकास का विकास भी करता है और एक्टिविटीज भी चालू रहती है। इसके साथ में मेरे को एक तकलीफ है, अपने क्षेत्र में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं जो स्पोर्ट्स में जा सकती हैं आगे, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम के अभाव की वजह से और यहाँ पर इस चीज की जो बड़ी एक नेग्लिजेंस ही कही जाएगी, किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव ये भी रहेगा कि कम से कम एक स्टेडियम तो बना दिया जाए इस पूरे क्षेत्र के देखते हुए। गोवर्धन क्षेत्र काफी बड़ा है तो जो छुपी हुई ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं उनको कम से कम एक मौका तो मिलेगा बाहर निकलने का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रशासन को अपने स्तर से कोई ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए कि युवाओं को खेलकूद के माध्यम से उनका विकास करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाए या कुछ ऐसे क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे तैयार किए? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के साथ साथ एक्चुअली मैं जब तक जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुँचाना, और यदि जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं करेगा तो प्रशासन तो खुद नहीं सोचेगा ना इस चीज के लिए। तो हमारा ये सुझाव है कि कम से कम अपने क्षेत्र के अंदर एक अच्छा स्टेडियम बन जाए जिससे लोगों को अपना अपनी प्रतिभा खेलकूद की सुविधाएं सुविधाओं का उसमें अभी जो अभाव है यहाँ पे वो उसमें उसके लिए बड़ा तकलीफ होती है। अब देखिए, हरियाणा को देखिए, टीम आगे से आगे निकल भागती है और यहाँ पर इस तरह का कोई भी स्पोर्ट्स के लिए कोई मतलब एफर्ट्स नहीं है नहीं। ये बड़ा अभाव। बाकी आने वाले समय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार 2020 निकला है, बड़ा दुखद समय निकला है, तमाम लोगों ने अपना खोया है इस समय, और गिरा जी से प्रार्थना करेंगे कि 2021 सबका अच्छा रहे और इस प्रकार की कोई बीमारी ना आए। और जिस प्रकार हम लोगों ने 2020 में आम जनमानस की सेवा की, यदि इस प्रकार कोई भी आगे आने वाले समय के अंदर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आगे भी सेवा करते रहेंगे। मथुरा में